विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शिवनाथ नदी मार्ग पर हुआ पौधों का रोपण आयोजन। इस अवसर पर 150 से अधिक बादाम के पौधे रोपे गए। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर दुर्ग से शिवनाथ महमरा घाट पहुंच मार्ग पर पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित करने आव लगाए एक पौधा कार्यक्रम का आयोजित किया गया। इसी कड़ी में दुर्ग निगम द्वारा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर आव लगाए एक पौधा कार्यक्रम में लोगों ने अपनी भागीदारी निभाई। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव, पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष आरएन वर्मा, पर्यावरण प्रभारी सत्यवती वर्मा, एमआईसी प्रभारी अब्दुल गनी, भोला महोबिया संजय कोहले, दीपक साहू सहित राजीव मितान के विवेक मिश्रा की टीम मौजूद रही। इस दौरान सभी ने एक एक पौधा रोपकर शहर को हरा भरा बनाने में अपनी भागीदारी निभाई और पौधों को संरक्षित व सुरक्षित रखने का संकल्प लिया। हमारी सरकार आने के बाद हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ने सर्व हरा वर्ग के उत्थान के लिए कार्य किया। वहीं जो हमारा छत्तीसगढ़ वनों के नाम से जाना जाता है पूरे देश में, 15 वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी के शासन काल में 15 वर्षों में जो अंधाधुंध कटाई हुई, जिसके कारण लोगों को ऑक्सीजन की कमी हुई और पर्यावरण में असंतुलन की स्थिति बनी। मुख्यमंत्री जी ने सभी योजनाओं के साथ साथ वृक्षारोपण को भी बहुत महत्व दिया और हरिहर छत्तीसगढ़ के नाम से एक अभियान चलाया। पूरे प्रदेश में हरिहर छत्तीसगढ़ के नाम से पौधे रोपित किए जा रहे हैं और आप देखेंगे कि अब छत्तीसगढ़ हमारा लगातार हरियाली की ओर बढ़ता जा रहा है। जो इसकी पहचान थी, अपनी एक पहचान थी, लगभग 75% हमारा जो भाग है वह वृक्षों से आच्छादित है। अभी हमने दुर्ग नगर निगम के माध्यम से हमारे महापौर बाकलीवाल जी, पर्यावरण मंत्री हमारी सत्यवती वर्मा जी, राजेश यादव जी, हमारे आरएन वर्मा जी और नगर निगम के एमआईसी के जी भी सभी सदस्यगण, पदाधिकारी, अधिकारियों ने मिलकर आज प्रतिवर्ष की भांति यहाँ पर पौधों का रोपण किया है। पिछले बार जो हमने पौधे रोपित किए थे लगभग 150, वो आज फल फूल रहे हैं। छायादार और फलदार वृक्ष लगाए जा रहे हैं। आज भी हमारी पर्यावरण अध्यक्ष ने बताया कि लगभग 150 पौधे का यहाँ पर रोपण किया गया है और पूरा सुरक्षित रखा जाएगा। साथ ही जो प्रदेश स्वच्छ रहे उसके तहत नगर निगम के माध्यम से आज यहाँ सफाई का भी कार्यक्रम किया गया है, ताकि हमारा शहर, आप देख रहे होंगे, दुर्ग लगातार विकास की ऊंचाइयों को छू रहा है, लगातार विकास की ओर बढ़ रहा है। ये हमारे मतदाताओं के आशीर्वाद का प्रतिफल है और मुख्यमंत्री जी ने जो राशि दी, मुख्यमंत्री जी ने जो समय समय पर दुर्ग के विकास के लिए जो सहयोग दिया है, उसका ही परिणाम है कि आज हम लोग विकास की ओर अग्रसर हो रहे हैं। आज हम सब मिलके नगर निगम के माध्यम से वृक्षारोपण 150 वृक्षारोपण किए हैं नदी के, नदी रोड में। एक साइड का तो पहले लगाए थे, वो सारे जीवित हैं और अभी फिर लगाए हैं और सब जीवित रहेंगे। और मैं सभी नागरिकों से निवेदन करती हूँ कि सब लोग मिलके पौधों का रक्षा करें, अपने घर के पास भी लगाएं और पर्यावरण को बचाएं। हमारे मुख्यमंत्री जी का भी यही मंशा है और उन्होंने कृष्ण कुंज करके एक योजना चलाए हैं, उसमें भी बहुत सारे वृक्षारोपण हुआ है और इस साल भी करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। समस्त देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और दुर्ग शहरवासियों को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएँ देना चाहता हूँ। अब समय आ गया है कि हम संजीदगी से पर्यावरण के को बचाने की दिशा में कुछ सोचें। उसी ताकत में आज हम नदी रोड में लगभग 150 पौधों का रोपण किए हैं। शीतला मंदिर में भी आज हमारे द्वारा बृहद पैमाने में वृक्षारोपण किया गया है। हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी, सभापति राजेश यादव जी, वर्मा जी, जल का हमारी प्रभारी सत्यवती वर्मा जी सहित सभी एमआईसी, सभी नगर निगम के अधिकारी कर्मचारी, युवा मितान सहित सभी लोगों ने आज बृहद पैमाने में वृक्षारोपण का कार्य किया है। क्योंकि हम समझ सकते हैं कि एक मिनट अगर हमको वायु ना मिले तो जीवन जीना बहुत दुभर हो जाता है, और जीना है, वायु बचाना है, तो वृक्षारोपण की आज आवश्यकता है। इस कड़ी में दुर्ग नगर निगम द्वारा स्वच्छता का संदेश देने दुर्ग निगम के स्वास्थ्य अधिकारी मोहम्मद जावेद के नेतृत्व में निगम की सफाई कर्मी टीम ने अपनी भूमिका निभाई। साथ ही इस अवसर पर विधायक, महापौर ने भी सड़क पर झाड़ू लगाकर स्वच्छता का संदेश दिया। विश्व पर्यावरण दिवस की आप सबको बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं। और आज संकल्प लेने का दिन है
पर्यावरण को बचाने के लिए और पर्यावरण की दिशा में काम करने का दिन है। नगर निगम के द्वारा आज यहाँ 150 पौधों का रोपण किया गया, जो इसके पहले भी पौधा रोपण किया गया था वो जीवित हैं। और आप सबसे अपील है कि जो भी पौधा रोपण करें उसको जीवित रखने की कोशिश करें ताकि पर्यावरण संतुलन बना रहे। पहले तो मैं आज विश्व पर्यावरण दिवस है, इसकी सभी हमारे देशवासियों को, प्रदेशवासियों को और शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आज आवश्यकता है, आज ज़रूरत है, वो है, वो ज़रूरत और आवश्यकता ये है कि हमें सचेत हो जाने की, हमें जागरूक हो जाने की। और यदि आज भी यदि हम सचेत और जागरूक नहीं होंगे तो हम मुश्किल में पड़ जाएंगे, बहुत संकट में पड़ जाएंगे। पर्यावरण की संरक्षण और पर्यावरण का संवर्धन आज की आवश्यकता है। जैसा कि गर्मी बढ़ता जा रहा है, समुद्र की पानी कम होता जा रहा है, ये पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचाए गए हैं अतीत में उसका दुष्परिणाम है। अब हमको सचेत होना है कि पर्यावरण को संरक्षित करें, अधिक से अधिक वृक्ष लगाएं, प्लास्टिक का उपयोग कम करें और जितने भी प्राकृतिक संसाधन हैं उसको हम सबको बढ़ाने की आवश्यकता है। और इसी उद्देश्य से आज नगर पालिक निगम दुर्ग के तत्वावधान में आज यहाँ नदी रोड पर 150 वृक्षों का वृक्षारोपण किया गया है। अभी सब फलदार वृक्षों का मतलब वितरण किया जाएगा और लोगों को ये मतलब मैसेज दिया जाएगा कि वो सब कम से कम एक एक पेड़ अपने घरों के सामने लगाएं, जिस जो आज बहुत ही आवश्यक है। सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद, जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। बहरहाल 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर पालिक निगम दुर्ग के द्वारा चलाया गया जागरूकता अभियान काफी सराहनीय पहल है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।